नमस्कार मित्रों, बेस्ट प्लेसेस के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मित्रों, चलिए आज हम दीक्षा भूमि पर चलते हैं। ऐतिहासिक दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। दीक्षा भूमि को प्रेरणा भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बौद्ध स्तूप का निर्माण वर्ग संघर्ष, भेदभाव, असमानता के खिलाफ संघर्ष के चिन्ह के रूप में किया गया है। ये बौद्ध स्तूप भारत में आम्बेडकरवादी बौद्ध धर्म के लिए पहला तीर्थस्थल है। चलिए सबसे पहले दीक्षा भूमि के इतिहास को जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म में जन्मे थे, पर जातीय प्रथा, उच्च नीच का भेदभाव बाबा साहब अम्बेडकर को दुखी करता था। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के रामदासपेट एरिया के इस ग्राउंड पर उन्होंने अपनी पत्नी और 6,00,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। इसी के साथ भारत में न्यू बुद्धिज्म यानी अम्बेडकरवादी बुद्धिज्म की शुरुआत हुई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 का दिन इसलिए चुना था क्योंकि 14 अक्टूबर महान बौद्ध राजा अशोक मौर्य के धर्म परिवर्तन की पारंपरिक तिथि थी, जिसे अशोक विजयादशमी का उत्सव या धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जाना जाता है। साथ ही 1956 में बौद्ध धर्म की स्थापना के 2550 वर्ष पूरे होने जा रहे थे। धर्मांतर के लिए नागपुर का चयन करने के पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि नागपुर नाग लोगों की मातृभूमि थी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और शुरुआती दौर में इसे बड़े प्रयासों से समर्थन दिया। साथ ही बौद्ध धर्म का पूरे भारत में प्रचार किया था। दीक्षा समारोह के 1.5 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद दीक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने दीक्षा समारोह के स्मारक के रूप में और लोगों के बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर रूपांतर के रूप में इस स्थान पर एक स्तूप बनाने का निर्णय लिया। दीक्षा भूमि 22 एकड़ में फैली हुई है और हरे भरे सौंदर्यीकरण से आच्छादित है। दीक्षा भूमि का मध्य भाग विशाल स्तूप के लिए समर्पित है। स्तूप का डिजाइन नागपुर के फेमस आर्किटेक्चर सेवोदान मॉल ने किया था। स्तूप का डिजाइन बनाने के पहले सेवोदान मॉल जी ने 2 साल से अधिक समय तक दुनिया भर के बौद्ध वास्तुकला का अध्ययन किया और प्रसिद्ध सांची के स्तूप से प्रेरणा लेकर शानदार डिजाइन तैयार किया, जो बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाता है। इस विशाल बौद्ध स्तूप का निर्माण 1978 में चालू हुआ था और इसका उद्घाटन 2001 में भारत के राष्ट्रपति श्री K.R. नारायणन ने किया था। इस 2 मंजिला स्तूप की खासियत यह है कि सांची के स्तूप की तरह ही इसका सबसे ऊपरी भाग डोम शेप में है, पर दीक्षा भूमि का डोम खोखला है। इस डोम का डायमीटर 120 फीट का है और इस तरह के डोम को पहली बार एशिया सेंट्रल ब्लॉक लॉकिंग सिस्टम तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। दीक्षा भूमि का ग्राउंड फ्लोर करीबन 20,000 स्क्वायर फीट का है और ऊपरी दोनों मंजिलों पर एक बार में 5,000 से अधिक बौद्ध भिक्षुकों को समायोजित किया जा सकता है। इस स्तूप के मध्य भाग में एक कांच की संरचना है। यहाँ सोने से पॉलिश किया हुआ एक चांदी का पात्र रखा जाता है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नश्वर अवशेष रखे गए हैं। पहले ये अवशेष पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के पास होते थे, पर बाद में 7 अक्टूबर 1981 को इसे समिति को सौंपा गया था। एक भव्य धार्मिक समारोह में इस नश्वर अवशेषों को 2 अक्टूबर 2001 को यहाँ स्थापित किया गया था। इसके अलावा यहाँ भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियाँ हैं, जो 25 फरवरी 1996 को भंते सवाम और थाईलैंड के छात्र द्वारा समिति को भेंट की गई थी। 2 अक्टूबर 2001 को स्तूप के उद्घाटन के वक्त भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई की उपस्थिति में इन्हें यहाँ स्थापित किया गया था। दीक्षा भूमि में 4 गेट हैं। चारों गेट प्रसिद्ध सांची स्तूप के गेट की प्रतिकृति महसूस होती है। इन सभी गेट्स पर राजस्थानी मार्बल पर धम्मचक्र, घोड़े, एलिफेंट और लायंस का नक्शीकाम किया गया है। दीक्षा भूमि के पूर्वी दरवाजे के सामने एक बोधि वृक्ष है। बताया जाता है कि भंते आनंद कौशल्यान, भंते डॉक्टर हम्पोलो रतनसरा और भंते आनंद मंगल द्वारा आधिकारिक तौर पर श्रीलंका सरकार से अनुरोध करके अनुराधापुरा के उसी बोधि वृक्ष की 3 शाखाओं को यहाँ लाया गया था, जिसे महान सम्राट अशोक की पुत्री संगमित्रा ने अपने संन्यास के दौरान लगाया था। इन डालियों को 12 मई 1968 को दीक्षा भूमि मैदान पर लगाया गया था। दीक्षा भूमि के प्रांगण में एक भिक्खु निवास है, जहाँ बौद्ध भिक्षुकों को रहने की व्यवस्था की जाती है।
प्रांगण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भी लगाई गई है, जो काफ़ी मनमोहक है। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।